क्रांति चिकित्सा सेवा संघ ने 4 अक्टूबर से होने वाली हड़ताल को 15 दिनों के लिए स्थगित कर दिया है। अगले 15 दिनों तक सभी डॉक्टर काली पट्टी बांधकर काम करेंगे और अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। आपको बता दें कि विभिन्न मांगों को लेकर क्रांति चिकित्सा सेवा संघ और सरकार के बीच गतिरोध की स्थिति बनी हुई थी, जिस पर प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने 8 बिंदुओं पर सहमति जताते हुए जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए। क्रांति चिकित्सा सेवा संघ के प्रदेश महासचिव डॉक्टर रमेश कुमार ने कहा कि हमारी मांगों पर त्वरित कार्रवाई के लिए तथा लंबित डीपीसी व अन्य एसडीएसीपी के जाने के आश्वासन पर अपने आंदोलन को फिलहाल स्थगित कर रही हैं। उन्होंने कहा कि संगठन की 18 अक्टूबर को पुनः बैठक करेंगे और यदि अगले 15 दिनों में घोषणाओं के अनुरूप कोई कार्रवाई नहीं होती तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। नमस्कार, जैसा कि आपको विदित होगा कि कल दोपहर जो हमारी स्वास्थ्य सचिव जी के साथ अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर मीटिंग हुई थी, जिसमें कि 8 सूत्री मांगों पर हमारी सहमति बन गई है। इसलिए जो 4 तारीख से हम पूर्ण कार्य बहिष्कार के लिए जाने वाले थे उसको हम 15 दिन के लिए स्थगित कर रहे हैं। तब तक हम आदेश पारित होने का इंतज़ार करेंगे और तब तक हम काला फीता बांधकर या ब्लैक रिबन प्रोटेस्ट अपना जारी रखेंगे और त्वरित कार्रवाई के लिए हम धन्यवाद प्रकट करना चाहेंगे हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी का, स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश का, अपर सचिव महोदया का, महानिदेशक महोदया का एवं सचिवालय चिकित्सा विभाग का। धन्यवाद।